हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट पॉडकास्ट। और मेरा नाम है कुलवंत राणा। मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहूँगा कि मैं ये पॉडकास्ट की सीरीज को पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू नहीं कर पाया और कोई एपिसोड नहीं डाल पाया कुछ पर्सनल रीजन के कारण, पर मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ। और इस पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी कि 10 स्टेप्स टू बिकम ए बेटर ट्रेडर, कि हम जो 10 स्टेप्स क्या करने चाहिए जो इमीडिएटली हम एक्शन ले सकते हैं बेटर ट्रेडर बनने के लिए। तो यहाँ पर मैं इस सीरीज को फिनिश करना चाहूँगा। हमने अभी तक 5 स्टेप्स के बारे में बात की है जो आपने पिछले एपिसोड में सुने हैं। यहाँ पर आज मैं आपके साथ स्टेप नंबर 6, 7, 8, 9, 10, जी बिल्कुल 4 के 4 स्टेप्स यहाँ पर आपके साथ कवर करूँगा, ताकि आपको और ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े कि कब तक ये एक एक स्टेप आते रहेंगे। तो 4 स्टेप्स को मैं यहाँ आज के एपिसोड में कवर करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम अपने आइटम नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइटम आती है आइटम नंबर 6, डिसाइड योर मैक्सिमम वीकली लॉस अमाउंट। आप अपनी वीकली लॉस की अमाउंट को डिसाइड कीजिए कि इससे ज़्यादा मैं एक वीक में इससे ज़्यादा लूज नहीं करूँगा। अगर आपने कोई भी अमाउंट डिसाइड की है, अगर आपने वो अमाउंट को हिट कर दिया, बार बार जो भी ट्रेड लिया आपने और आपका लॉसिंग अमाउंट हिट हो गया, उसके बाद आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। आप प्राइस को देख सकते हैं, आप चार्ट्स को देख सकते हैं, पर एनालाइज कर सकते हैं। और हाँ, ये भी कर सकते हैं कि हाँ, मैं इसके बेस पे ऐसी एंट्री लेता, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाता, यहाँ पर प्रॉफिट लेता, पर कोई लाइव ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि आप अपना लॉसिंग जो वीक का टारगेट था वो क्रॉस कर चुके हैं। तो अपना वीक का टारगेट पहले डिसाइड कीजिए कि इससे ज़्यादा मैं लूज़ नहीं करूँगा किसी भी हफ्ते में, चाहे वो मंडे को हिट हो जाए या ट्यूसडे को हिट हो जाए या फ्राइडे तक ना हिट हो, या आप जो ट्रेड लें वो पूरे हफ्ते में हिट ना हो। पर अगर वो एक बार हिट हो गया, उसके बाद आप कोई लाइव ट्रेड नहीं लेंगे। बिगिनर के लिए नंबर होता है कि क्या नंबर है, कोई ज़रूरी नहीं है, पर मैं कहूँगा आपको ये नंबर पता होना चाहिए कि आपका लूजिंग अमाउंट कितना है एक वीक का। ये आपके अकाउंट के बेस पर डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट का साइज़ कितना है और आप कितना लूज कर सकते हैं, किस लूजिंग अमाउंट से आप कंफर्टेबल हैं। तो ये डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा। अगर ये आप डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तो आप बार बार लूज करते रहेंगे और एक ही दिन में आप अपना पूरा अकाउंट भी लूज कर सकते हैं। जैसे आप देखें, हम चाइल्ड को एजुकेट करते हैं, हम डिसिप्लिन लाते हैं, हम जॉब पे जाते हैं तो एक फिक्स टाइम होता है जाने का, एक फिक्स टाइम होता है आने के लिए। हम अगर आप शेविंग भी करते हैं तो एक शेड्यूल को फॉलो करते हैं, हम क्लोथ्स पहनते हैं, उनमें भी एक डिसिप्लिन रहता है। ये नहीं कि आज ऐसे कपड़े पहन लिए, कल को किसी और तरह के आज साधु बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। एक डिसिप्लिन के थ्रू जो आपका स्टाइल होता है आप उसके तरीके से पहनते हैं। तो ये डिसिप्लिन आपको अपनी ट्रेडिंग में भी लाना पड़ेगा। जब तक ये डिसिप्लिन आप ट्रेडिंग में नहीं लाएंगे, ये नहीं कि आज $100 लूज कर दिए, कल को $500 लूज कर दिए हैं, आज ये ट्रेड कर रहे हैं, कल वो ट्रेड कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। अगर आप किसी कंपनी या ट्रेड फर्म के लिए ट्रेड करें और वो आप देखें कि आप एक ही दिन में पूरा अकाउंट या 30-40% लूज कर देंगे, अगले दिन वो आपको लात मार के भगा देंगे कि आप उनके लिए नहीं है। जब आप उनकी मनी के साथ डिसिप्लिन रह सकते हैं, फिर आपको अपनी मनी के लिए भी डिसिप्लिन रहना होगा। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो आपको ये डिसिप्लिन लाने पड़ेंगे और डिफाइन करना होगा कि इस एक हफ्ते में मैं इस अमाउंट से ज़्यादा लूज नहीं करूँगा। जैसे ही वो अमाउंट हिट हो जाए उसके बाद स्टॉप ट्रेडिंग। हाँ, आप एनालाइज कर सकते हैं, चार्ट को देख सकते हैं, एंट्री के लिए देख सकते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं, पर कोई ट्रेड लाइव ट्रेड नहीं लेंगे। यह है आपका आइटम नंबर 6। अब आता है आइटम नंबर 7। आइटम नंबर 6 था कि आप वीकली लॉस की अमाउंट डिसाइड कीजिए। आइटम नंबर 7, आप डेली लॉस की अमाउंट डिसाइड कीजिए कि आप एक दिन में इससे ज़्यादा लूज नहीं करेंगे। अब आपकी जो भी वीकली अमाउंट है, मान लीजिए वो $600 की अमाउंट है, तो आप उस अमाउंट को कम से कम 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, क्योंकि हफ्ते में 5 दिन आप ट्रेडिंग करते हैं, मंडे से फ्राइडे अगर आप 5 दिन ट्रेडिंग करते हैं तो उसे 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। मान लीजिए अगर मैं $600 का वीकली अमाउंट मैंने डिसाइड किया है, तो मैं उसे 3 हिस्सों में $200 की मेरे एक दिन की लूजिंग अमाउंट $200 होगी। आप क्यों कह रहे हैं कि हम 3 दिन में क्यों डिवाइड करूं, क्यों ना 5 दिन में डिवाइड करूं? क्योंकि आपके लूजिंग ही ट्रेड नहीं आएंगे, आपके विनिंग ट्रेड भी आएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका लूजिंग ही ट्रेड चलते रहेंगे, कभी कभी होगा। अगर हाँ हो जाता है, 300 क्लियर हो जाते हैं, आपके हिट हो जाते हैं, फिर आप उसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे। तो मैं आपको रूम देना चाहूँगा यहाँ पर, आप उसको 5 से डिवाइड ना करके, 5 दिनों से नहीं बल्कि 3 दिन से डिवाइड कीजिए। अगर आप 4 से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप और ज़्यादा छोटा जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 5 में भी जा सकते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको रूम देना चाहूँगा कि 3 से डिवाइड कीजिए, ताकि आपके पास रूम हो, आप ज़्यादा ट्रेड ले सकें एक दिन में। तो उस अमाउंट को डिसाइड कीजिए, जो भी आपने वीकली अमाउंट निकाल के आई है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, और वो डेली लिमिट, वो आप उससे ज़्यादा लूज नहीं करेंगे किसी भी दिन में। जैसे ही वो अमाउंट आपकी डेली लॉस की हिट हो जाती है, उसके बाद आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगेन,
आप चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और हाँ, अपनी वीकली अमाउंट की जो भी आपने डिसाइड किया है उसको एक दिन में ही लूज ना करें, इसलिए आपको डेली की लिमिट भी डिफाइन करनी होगी, क्योंकि आपने वीकली की तो अमाउंट डिसाइड कर ली है कि मान लीजिए $600 है, अगर आप डेली की अमाउंट को यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे तो आप एक दिन में ही वो पूरा वीक का वीक लूज कर सकते हैं। तो इसीलिए वीकली के बाद डेली की लिमिट जरूरी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि पूरे हफ्ते का खाना एक दिन में खा लेंगे, ठीक है ना, तो एक हफ्ते का खाना अगर दिन में एक दिन में खा लेंगे क्या होगा, आप बीमार होंगे, आपका स्टमक इश्यू हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपको जो वीक की लिमिट है उसको दो या तीन हिस्सों में डिवाइड कीजिए, बल्कि चार में भी जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा तीन आइडल है, अगर तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे उस तरीके से, जैसी वो अमाउंट हिट हो उसके बाद ट्रेडिंग स्टॉप। अगर 600 हमारी वीकली लिमिट है तो 200 एक दिन की लिमिट होगी कि 200 जैसी मेरा स्टॉप लॉस की अमाउंट हिट हो जाएगी उसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, स्टॉप ट्रेडिंग। तो ये तो हुई आपकी आइटम नंबर 6 और 7, वीकली लूजिंग अमाउंट, डेली लूजिंग अमाउंट। अब आइटम नंबर 8, लूजिंग पर ट्रेड अमाउंट, कि आपका एक ट्रेड पे आप कितना लूज कर सकते हैं। तो जो भी वीकली अमाउंट है उसको आपने डेली में डिवाइड किया, अब डेली अमाउंट को आप एक ट्रेड में डिवाइड करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितने ट्रेड लेते हैं। तो जैसे हमने $600 की अमाउंट डिसाइड की एक वीक के लिए, और डेली के लिए हमने डिसाइड की $200 की, उसको तीन हिस्सों में बांटा $600 को। अब $200 की जो अमाउंट डेली की आई है, अब डिपेंड करता है आप कितने ट्रेड लेते हैं एक दिन में। अगर एक दिन में मैं 4 ट्रेड लेता हूं तो मैं उसको $50-$50 में डिवाइड करूंगा, अगर एक दिन में मैं 2 ही ट्रेड लेता हूं तो मैं $100 के 2 ट्रेड लूंगा, कितनी मेरी मैक्सिमम लूजिंग अमाउंट होगी। तो इसी तरीके से आप डिसाइड कीजिए कि मेरा कितने ट्रेड मेरे को लेने हैं एक दिन में, ऑन एन एवरेज में कितने ट्रेड लेता हूं, उसके बेस पे उसको डेली अमाउंट को उतने ट्रेड्स में डिवाइड कीजिए। और इन तीनों अमाउंट को आप अब एक प्रॉमिस की तरह फॉलो कीजिए, ये मेरी वीकली लिमिट है, ये मेरी डेली लिमिट है, और ये मेरी लूजिंग ट्रेड की लिमिट है, एक ट्रेड पे मैं इतना लूज, इससे ज़्यादा लूज नहीं करूँगा। और इस प्रॉमिस को आप अपने साथ रखिए और इसे फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने डिसाइड कर दिया और एक हफ्ते बाद फिर आप कुछ और फॉलो कर रहे हैं और एक ही दिन में पूरा अकाउंट उड़ा रहे हैं। आप अपने प्रॉमिस को फॉलो कीजिए, अगर आप अपने प्रॉमिस को अपने आप के साथ नहीं कर सकते हैं तो आप फिर किसी और चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी ही रेस्पेक्ट नहीं करते हैं अगर आप अपने प्रॉमिस को फॉलो नहीं करते हैं। तीन सिंपल स्टेप बताए हैं गाइस, तीन सिंपल आइटम है कि अपना वीकली लॉस डिसाइड कीजिए, उसको तीन हिस्से में डिवाइड कर दीजिए ताकि आपका डेली लिमिट आए, और उस डेली लिमिट को जितने भी ट्रेड आप लेते हैं ऑन एन एवरेज उससे डिवाइड कर दीजिए ताकि आपको एक ट्रेड पे इससे ज़्यादा ट्रेड ना लें। ये तीन मैक्सिमम लॉस आपकी ट्रेडिंग के परमानेंट पार्ट होने चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि इससे ज़्यादा लूज मैं नहीं करूँगा। हाँ, ये अमाउंट बढ़ेगी जैसा जैसे आप ग्रो करेंगे, अगर आप 6 महीने 1 साल बाद आपका अकाउंट बड़ा होता जाता है तो आप इस अमाउंट को और बढ़ा सकते हैं, डिपेंड करता है आपका अकाउंट साइज, आपका एक्सपीरियंस, किस तरीके से आप इसमें प्रोग्रेस करते हैं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि कोई ट्रेडर जो इन लूजिंग मार्क को जो उसने डिसाइड किए हैं उन्हें बिना हिट किए वो कमाता है तो वो एक अच्छा ट्रेडर है, वो एक रियल ट्रेडर है। अगर कोई मैं एग्जांपल लूं और कोई मेरे पास आया कि ये मेरे 10,000 का अकाउंट था, मैंने इसको 20,000 पे डबल कर दिया है और मेरी लूजिंग अमाउंट की लिमिट थी 1,000, पर मैंने एक ट्रेड पे 5,000 भी लूज किए थे, पर एंड ऑफ द ईयर मैं 20,000 कमाया, मतलब कि मैंने 10,000 का 20,000 कर दिया, डबल कर दिया, पर 5,000 की मैंने एक ट्रेड लूजिंग में किया जो कि मेरा बहुत बड़ा लूजिंग ट्रेड था। पर एक दूसरा ट्रेडर है, उसने 10,000 का 12,000 कर दिया, केवल 20% ही कमाया, पर उसने अपनी मैक्सिमम लूजिंग अमाउंट जो कि $100 थी उससे ज़्यादा कभी क्रॉस नहीं किया। तो मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और बेटर ट्रेडर है जिसने 10,000 का 12,000 किया बिना अपनी मैक्सिमम लॉस अमाउंट को क्रॉस किए। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है जिसने 10,000 का 20,000 कर दिया पर 5,000 को उसने एक बहुत बड़ा सिंगल लूजिंग ट्रेड लिया। लॉन्ग टर्म में सेकंड जो ट्रेडर है जिसने 10,000 का 12,000 किया वो सक्सेसफुल होगा रेदर देन कि जिसने 10 का 20 किया। आज उसने 5,000 एक ट्रेड पे लूज किए हैं, अगले दिन आएगा कि वो पूरे 10,000 के और 20,000 के 20,000 पूरे डुबो देगा, और ये सुनो लेटर ऐसा ही होगा। तो आप अपनी लिमिट को बिना क्रॉस किए भले ही आप 10, 20 या 30% ही कमाएं ईयर का, पर अगर आपने अपनी लूजिंग अमाउंट को क्रॉस नहीं किया, यू आर अ बेटर ट्रेडर, फिर आप बिगिनर लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। तो ये थी गाइस आइटम नंबर 6, 7 एंड 8 की, ये जो तीन है अपनी वीकली लूजिंग अमाउंट, अपनी डेली लूजिंग अमाउंट और अपनी ट्रेडिंग लूजिंग अमाउंट। डिसाइड कीजिए, फॉलो कीजिए और आप रिजल्ट देखेंगे अपनी ट्रेडिंग में कि आप अपने अकाउंट को डुबो नहीं रहे हैं और आपको अपने अकाउंट लूज करने में ही मुश्किल हो जाएगी। आप फिर स्लोली स्लोली देखेंगे आपकी अकाउंट बिल्ड होता जाएगा, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही दिन में पूरा 30-40%, क्योंकि आप पहले से ही लिमिट लगा रहे हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लूजिंग अमाउंट है, इनको माइंड में रखिए, इन्हें लिखिए, कहीं पर भी लिखिए, जो आप इसको बार बार देखें आपके माइंड में इसको फीड कीजिए। अब हम आते हैं अपनी आइटम नंबर 9 पर, फिक्स योर ट्रेडिंग टाइम, कि अपना टाइम को डिसाइड कीजिए कि आप किस टाइम ट्रेड करना है आपको।
ये स्टॉक मार्केट नहीं है कि यहाँ पर आप 6 घंटे के लिए ही ट्रेड करेंगे, यहाँ पर 24 आवर मार्केट्स है। क्या होता है, एक इडियट होता है वो स्टॉक मार्केट में है, पर वो 6 घंटे के लिए ही इडियट रहता है, क्योंकि बाई सेल वो करता रहेगा केवल 6 घंटे के लिए ही बेवकूफ़ बना। पर फॉरेक्स में अगर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं तो 24 आवर्स के लिए बनेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट 24 आवर्स है तो मैं 24 आवर्स ट्रेड करूँ। अगर आप ऐसा करने लगेंगे सुनर और लेटर आप गेम से आउट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ फिक्स योर टाइम, आप टाइम डिसाइड कीजिए। यहाँ पर 3 सेशन होते हैं, आपका एशियन सेशन होता है, आपका यूरोपियन सेशन होता है, आपका US सेशन होता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है मार्केट सेशन के ऊपर, फिर भी यहाँ पर मैं कवर करने के लिए, अगर आपके पास मॉर्निंग में ही टाइम है और कोई टाइम ट्रेड नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एशियन टाइम को ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपकी एशियन मार्केट रात के 2:30 बजे खुल जाती है, तो आप सुबह के टाइम पे एशियन सेशन को ट्रेड कर सकते हैं। पर वहाँ पर मैं कहूँगा आप केवल न्यूजीलैंड, ऑजी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या जैपनीज येन, इनसे रिलेटेड पेयर में ही ट्रेड कीजिए। बाकी पेयर में इतनी मूवमेंट नहीं मिलेगी आपको, केवल इन 3 पेयर से ही रिलेटेड ट्रेड कीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है। फिर आता है आपका यूरोपियन सेशन, जो कि 12:30 या 1:30 बजे के आसपास खुलता है, डिपेंड करता है कि आप विंटर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, समर में 1 घंटे के लिए मार्केट चेंज हो जाती है। तो अभी 1:30 बजे मार्केट खुल रही है तो आप यूरोपियन सेशन में ट्रेड कीजिए। अगर आपके पास दिन में टाइम है तो आप ये कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आप ट्रेड करने के लिए। अगर आप दोपहर के टाइम में नहीं ट्रेड कर सकते हैं तो इवनिंग का सबसे बेस्ट टाइम है, जब वहाँ पर US की मार्केट खुलती है या यूरोपियन US को क्रॉस करती है। तो 6 बजे के बाद, शाम के 6 बजे के बाद 10-11 बजे तक, शाम तक बहुत ही अच्छा टाइम है, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आप ऑफिस में हो या कुछ भी हो, पूरा दिन आपने जो भी काम किया हो, बाद में आके आप अपना US सेशन ट्रेड कर सकते हैं। तो एक सेशन डिसाइड कीजिए किस सेशन में आपको ट्रेड करना है। ये नहीं कि आज मैं एशियन भी ट्रेड कर रहा हूँ, फिर मैं यूरोपियन में भी लगा हुआ हूँ, फिर मैं US सेशन में भी लगा हुआ, और पूरे दिन जो मैंने मॉर्निंग में कमाया वो इवनिंग तक आते आते वो मार्केट को वापस दे दे रहा हूँ। और यही होता रहेगा आपके साथ। आपको एक लिमिट लगानी होगी कि मेरे को इसी टाइम के लिए ट्रेड करना है। जैसे मैंने बोला, स्टॉक मार्केट में आप 6 घंटे के लिए ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर केवल 6 घंटे के लिए बेवकूफ़ बनते हैं, यहाँ पर 24 आवर के लिए बनेंगे अगर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो इसलिए अपने टाइम को लिमिट कीजिए, डिसाइड कीजिए कि ये टाइम मेरे को ट्रेड करना है। जैसे मैंने बोला, यूरोपियन सेशन, US सेशन बेस्ट है, अगर ये ट्रेड कर सकते हैं तो बेटर है। नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो आप एशियन सेशन मॉर्निंग में स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर इवनिंग में आप देख सकते हैं, 2 बार ही आपको देखना होगा। तो गाइज, ये थी आइटम नंबर 9। अब आती है आइटम नंबर 10। यहाँ पर मैं केवल 3 ही शब्द बोलूँ आपके साथ, उसमें मुझे और कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। आइटम नंबर 10, जर्नल, 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 जर्नल योर ट्रेड। अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूँ, गाइज, अपने ट्रेड को जर्नल कीजिए। इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो भी बनाए हुए हैं। एक वीडियो में मैंने बोला हुआ है, डे इन अ लाइफ ऑफ फॉरेक्स ट्रेडर, की आप अगर अपने ट्रेड को जर्नल नहीं कर रहे हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस को कूड़े में डाल रहे हैं, आप उससे कुछ नहीं सीख रहे हैं। और जब आप कुछ नहीं सीखेंगे, आपकी कुछ प्रोग्रेस ही नहीं होगी। आपको सिंपल जर्नल करना है, और जर्नल के ऊपर एक एक्सेल का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके लिख सकते हैं, या आप सिंपल डायरी में लिखिए जर्नल में क्या करना है आपको, कहाँ पर आपने एंट्री की, किस पेयर में एंट्री की, बाय किया, सेल किया, कितना आपने प्रॉफिट कमाया, कितना लूज हुआ, और कमेंट्स कि क्या मैंने इस ट्रेड से सीखा, क्या मैंने इसमें गलती की। जब आप दोबारा से इस चीज़ को लिखेंगे ट्रेड लेने के बाद, आप उसे एक दूसरे नज़रिए से देखेंगे और आप अपनी मिस्टेक को फाइंड करेंगे। जब आप अपनी मिस्टेक को फाइंड ही नहीं करेंगे, जर्नल नहीं करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। और जर्नल सबसे बेस्ट चीज़ है इस चीज़ को पता करने के लिए। और जर्नल के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे मैंने बोला, एक एक्सेल के लिए, या फिर आप पिक्चर की तरह उसे सेव करना चाहते हैं तो क्रेलो के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे मैं जर्नल करता हूं, वो आप देख सकते हैं। तो जस्ट 3 वर्ड्स गाइज, जर्नल, 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 दैट्स इट। तो गाइज, ये 10 आइटम्स थे जो आपको इमिडिएट, अगर आप इन पर एक्शन लेंगे तो आप जरूरी रिजल्ट देखेंगे विद इन 2 to 3 months, कि आपको पता चल जाएगा कि क्या आप गलती कर रहे थे। और आप 3 महीने के बाद अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, आपकी ट्रेडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। आप खुद देखेंगे, आप खुद मुझे बताएंगे कि हाँ, इससे कुछ फ़ायदा मिला है। तो ये 10 आइटम्स हैं, बार बार आप इसको सुनिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि क्या 10 चीज़ें हैं, इन्हें लिख लीजिए, या आप इसको बार बार सुन सकते हैं पॉडकास्ट में, आप कभी भी इनको सुन सकते हैं, ताकि आप इससे मोटिवेटेड रहें, आप इससे जुड़े रहें। ये नहीं कि आज ये मेरी डिसाइडिंग अमाउंट थी वानी वीक में और 2 हफ्ते बाद कुछ और ही चीज़ हो जाएगी, या मेरी ये स्ट्रेटजी थी बाद में मैं कुछ और फॉलो कर रहा हूँ, या मेरा वो टाइम फ्रेम था मैं कुछ ही और टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये 10 चीज़ें हैं गाइज, अगर आप इमीडिएट एक्शन लेंगे आपको रिजल्ट देखेंगे। और होपफुली, मैं आशा करता हूँ आपसे, आपको इससे कुछ मदद मिलेगी, कुछ हेल्प मिलेगी। मुझे कमेंट में बताइए, ये पॉडकास्ट आप कहीं पर भी सुन सकते हैं, जो मेरे
चैनल के लिंक्स हैं या फिर यूट्यूब का जो नया चैनल है वहाँ पर भी मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पर भी कमेंट्स देंगे तो जो भी कमेंट्स होंगे वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे। तो अभी के लिए गाइज थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी जर्नी टू बिकम अ फॉरेक्स ट्रेडर। टेक केयर।